हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो वीडियो हमने आज की डेट में बना ली है जहां पर आप देख सकते हैं अमीरो का आईपीओ न्यूलैंड देखिए मैंने अभी यहां पर न्यूलैंड लेबोरेटरीज की बात करूँ तिरपन मिनट पहले मतलब एक घंटे पहले यहाँ पर एक घंटा भी नहीं हुआ मैंने वीडियो बनाई है और वीडियो में मैंने एक शेयर से रिलेटेड जिक्र किया था जिसका नाम क्या है असैलिया जब मैंने असैलिया का जिक्र किया था उस टाइम ये शेयर केवल पांच ऊपर था वीडियो बनाने के बाद ये 11 परसेंट ऊपर है और जो मैंने टारगेट बताए थे वो टारगेट तो अचीव हो गए और उसके बाद हमने एक टारगेट और बताए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से टारगेट है वो यहाँ पर है कि हमने दो दिन एक दिन पहले ही वीडियो बनाई है एस एल ए सोल्यूशन एस सोल्यूशन की वीडियो बनाने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर यहाँ पर नीचे आया था और मैंने कहा था ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बड़े लोग यहाँ पर माल इकट्ठा कर रहे हैं मार्केट में टेक्निकल यही बताते हैं कि कब कौन माल इकट्ठा कर रहा है कब कौन माल बेच रहा है तो उन्होंने माल इकट्ठा किया और एक दिन में ही यहाँ पर शूट कर दिया इस शेयर को और यहाँ पर ये आ, एंड नहीं है यहाँ पर ये स्टार्टिंग है और यहाँ पर टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हम क्या बातें कर रहे हैं वाले है एक और स्टॉक से रिलेटेड मैंने मैंने देखिए अभी एक मैंने आपको बताया था कि निफ्टी फार्मा भागता हुआ नजर आएगा विद इन सिक्स मंथ विद इन सिक्स मंथ में निफ्टी फार्मा एक अलग लेवल पे होगा ओके यहाँ पर नहीं रहने वाला है रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट हो रही है उसके बाद चीजें ऊपर जाएगी और इसलिए मैंने आपको एक स्टॉक्स बताया है जिसका नाम है न्यूलैंड लैबोरेटरीज बिल्कुल नीचे से पकड़ा है याद रखिए ऐसा भी नहीं है कि हमने यहाँ पर बताया यहाँ बिल्कुल नीचे से पकड़ा है दस परसेंट के आसपास के रिटर्न मिल गए हैं और भी परसेंटेज के रिटर्न अभी बाकी है ओके तो कैन का मतलब क्या है कि न्यूलैंड लैबोरेटरीज कौन सा स्टॉक है फार्मा के स्टॉक्स से तो हम बात करने वाले एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसमें एक अच्छी खासी पोटेंशियल यहाँ पर नजर आती है तो कौन सा स्टॉक्स है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं देख लेते हैं तो यहाँ पर उस स्टॉक्स का नाम क्या है तो सबसे पहले मैं स्क्रीन ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर डाल देता हूँ तीन परसेंट आज की रेट में शेयर ऊपर है तेतीस सौ पचास का इसका फिफ्टी टू वी खाई है ओके फिफ्टी टू वीक यहाँ पर जा ही रहा है जो अभी पर टारगेट बता रहा हूँ उसमें ये टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद शेयर और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा क्यों क्योंकि फार्मा पूरा सेक्टर यहाँ पर चलने वाला है लोग कहते रहेंगे लोग कहते रहते हैं ओके लोग यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहे हैं मेरा एक दोस्त भी था मेरी उससे बात चल रही थी वो भी कह रहा है चौबीस सौ रुपया पे आएगा मैंने बल्कि कोई नहीं चौबीस सौ रुपया आने दो और यहाँ पर अपने सपनों में शेयर को खरीदो कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर एस्ट्राजेनिका फार्मा भागता हुआ नजर आएगा तो क्यों भागता हुआ नजर आएगा तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्राजेनिका फार्मा की करती क्या है फार्मा के बिजनेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं इज इन दिजनेस ऑफ मैनुफेक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर well पर बात बात करें multinational pharmaceuticals company और उसी का एक पार्ट है तो अभी यहाँ पर कोविड की वैक्सीन लगी थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजे का कोविड 19 वैक्सीन ओके okay, पूरी वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लगती हुई नजर आई थी और भारत ने इस तरीके से एक कामयाबी यहाँ पर हासिल करी थी ओके okay, उसके लिए uh, भारत को हमेशा सलाम रहता है कि इस तरीके से भारत हमारा काम करते रहता है और हमारी गवर्नमेंट उस तरीके की है कि हाँ जो लोगों को प्रोत्साहित करती है और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है इंडिया जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं इंडिया की हम आ, पास्ट की बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं इतिहास की बात करते हैं तो हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि हमें यहाँ पर पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं है वी वी आर आर ग्रेट ओके इसमें कहने में कोई भी किसी हमें प्राउड होता है घमंड वाली बात नहीं है प्राउड होता है तो एस्ट्राजेनिका ने उसी तरीके का काम करते हुए यहाँ पर दिखाया था अब अगर हम बात करें एस्ट्रा एस्ट्राजेनिका तो एक्स्ट्रा एक बेहतरीन प्लेयर है और जिसकी अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 94 फोर परसेंट के रिवेन्यू आते हुए दिखाई देते हैं डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट से 6 परसेंट के यहाँ पर रेवेन्यू आते हुए दिखाई देते हैं सेल्स नेटवर्क की बात करें तो वो पैन इंडिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑल अराउंड द इंडिया यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देता है इसके अलावा कंपनी के कुछ यहाँ पर बात करते हैं uh, कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है मैं हमेशा बताता हूँ पैसा अगर आप सोचेंगे कि आपके लार्ज कैप में बनेंगे नहीं बनने वाले ओके

लगा अच्छी खासी आ रही थी कोविड में यहाँ पर थोड़ी सी काम, बीच में यहाँ पर कोविड जब खत्म हुआ कम हुई बट अगेन सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है और हाईएस्ट एवर पिछले बारह क्वार्टर की हाईएस्ट एवर सेल्स से, है कंपनी के अगर हम बात करें एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देखिए है, जब साल में एक बार कंपनी को बोनस भी देना पड़ता है एज वेल एज हाइक भी होते हैं प्रमोशंस भी होते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉस्ट तो इस वजह से घटती बढ़ती रहती है यहाँ पर देखें कभी बढ़ गई कभी, गई कभी घट गई कभी घट गई कभी बढ़ गई तो इस तरीके से ये एक आ, अगर हम बात करें वेरिएबल यहाँ पर एक्सपेंसिस में आता है कांस्टेंट नहीं आता तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे मटेरियल कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है बट ये एक कॉन्स्ट यहाँ पर एक बार है तो एक बार दे दिया तो अब दे दिया अब साल भर की झंझट खत्म यहाँ पर देखेंगे 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है और 12 परसेंट का मार्जिन आया जो कि क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन है और यहाँ पर देखेंगे 9 नाइन का अगले क्वार्टर 7 का अगले क्वार्टर तो यहाँ पर 9 और 7 के आसपास अब नहीं आता दिखता ओके अब यहाँ पर ऊपर और इसके आसपास ही यहाँ पर मार्जिन आता हुआ दिखाई दे रहा है और जब मार्जिन इसी के आसपास आएगा तो दो क्वार्टर तो मुझे नजर आता है कि शेयर केवल ऊपर जाना है नीचे नहीं जाना और इसमें जितनी गिरावट होनी थी जितना कंसोलिडेशन होना था वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है नेट प्रॉफिट की बात करें ओके okay, 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे तो कम है बट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है और धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर में जब फार्मा का इंडेक्स भगता हुआ नजर आएगा ये शेयर और इसके ये शेयर भी अच्छा खासा मूव करता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा बात करते हैं सेल्स की तो कंपनी ईयरली बेस पे अच्छा खासा देखिए एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट थी ओके okay, एक जैसी लगभग फ्लैट सेल्स थी बट उसके बाद हम बात करें तो लगातार सेल्स बढ़ी है पिछले बारह महीने की सेल्स हाईएस्ट एवर है कंपनी का मार्जिन यहाँ पर अच्छा खासा है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर अच्छी खासी आती हुई दिखाई दे रही है रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व लगातार तो जो जो के पास होते हैं तो आने आने वाले टाइम में शायद हमें बोनस भी मिल सकते हैं बोरिंग की बात करें ना कि बराबर है दो करोड़ के आसपास की बाकी प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे है कैश की बात करें तो कंपनी का चार करोड़ रुपए का कैश भी है तो यहाँ पर भी देखिए ये चीज 1995 में पर बोनस दिया था सब डिविजन 2006 में हुआ था कंपनी डिविडेंड के मामले में अच्छी खासी है हर साल डिविडेंड देती है और इस बार भी यहाँ पर जुलाई में लगभग आठ रुपए का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है तो डिविडेंड मिल रहा है बोनस मिल रहा है स्प्लिट मिल रहा है और एक बड़े ग्रुप का यहाँ पर नाम भी शामिल है एज वेल एज प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75 है मतलब प्रोमोटर्स बेचना ही नहीं चाहते अपने शेयर को ये एक पॉजिटिव बात है एफ ने यहाँ पर बाइंग करनी शुरू कर दी है देख सकते हैं यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है पॉइंट वन परसेंट की इसके अलावा यहाँ पर बात करें सॉरी पॉइंट वन जीरो परसेंट की डी की बात करें तो डी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भी यहां पर बढ़ाई है और यहां पर लगातार हिस्सेदारी पिछले चार पांच क्वार्टर से है। है कंपनी तो अच्छी है या नहीं है वो यहाँ पर कंपनी के साथ बने हुए इसके अलावा बात करते हैं एस्ट्राजेनिका फार्मा के शेयर से रिलेटेड तो आज के दिन लगभग तीन ऊपर है ओके और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कोई चीज लगातार गिरती नहीं है जब यहाँ पर गिरावट हो रही थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसने हाई बनाया फिर गिरावट हुई फिर ऊपर गया था फिर इसके बाद गिरावट हुई फिर ऊपर गया फिर गिरावट हुई ओके okay, फिर यहाँ पर ऊपर गया फिर गिरावट हुई फिर ऊपर गया अब यहाँ पर ये पहले लोअर लोज -लो लगा रहा था अब ये यहाँ पर हायर हाईज लगाता हुआ नजर आ रहा है एक हाई यहाँ पर इसने बॉटम क्रिएट किया और इसके बाद एक हाई यहाँ लगाया अब दूसरा हाई इसने यहाँ पर लगाया है देखिए यहाँ पर आके बार बार रुका है और थोड़ा सा बड़ा कर लेता तो चार्ट समझ में आ जाएगी तो देखिए अब यहां पर आके रुका है एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार इसी इसी एरिया में आके रुक रहा है ओके और ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो तो ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस कर देगा अच्छी खासी तेजी होगी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार क्रॉस करी थी बट ये फेक ब्रेकआउट था अब देखिए आज भी देखिए इसी लाइन को टच करके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है ये रजिस्टेंस है ओके रेजिस्टेंस के पास है एक से दो दिन मुझे लग रहा है यहाँ से कभी भी यहाँ पर ऊपर जाएगा और इसे निकालेगा सबसे पहला टारगेट बत्तीस सौ अट्ठाईस का है ओके okay, जो कि लगभग लगभग सौ सौ सवा सौ, सौ, सौ रुपए ऊपर है और इसके बाद बात करें दूसरा टारगेट नजर आता है तेतीस सौ बहत्तर रुपए के आसपास तैतीस सौ पचास साठ के आसपास और जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको आप बताइए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे सबसे पहले आ, ये राउंडिंग बॉटम Okay, पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और जब भी इस तरीके का राउंडिंग बॉटम बनता है तो एक बेहतरीन पैसा यहाँ पर मार्केट देती हुई नजर आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम बन रहा है और शेयर यहाँ पर पैंतालीस सौ रुपए के टारगेट मुझे पहले नजर आते हैं और चीजें यहाँ पर फिर रुकने नहीं वाली क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है निफ्टी फार्मा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओके जब निफ्टी फार्मा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो शेयर है जो अच्छा खासा मार्जिन दिखा रहे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहे अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रहे हैं तो ये शेयर भी सबसे पहले यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे केवल ये गिरावट थी कंसोलिडेशन था अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है हायर हाइस बना के ये चीजें ऊपर जाएगी पहला टारगेट ये है दूसरा टारगेट सीधे फिर ऊपर ही नजर आता है नीचे नहीं तो लगातार ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पर आके थोड़ा सा नीचे आएगा फिर बाइंग करेंगे जैसे अकोमुलेशन मैंने अभी बताया था में एकोमुलेशन होगा फिर भागा तो इसी तरीके से एकोमुलेशन होता है शेयर्स का तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों बेल आइकन को हिट करिए जरूर क्योंकि बेल आइकन को हिट नहीं करते तो वीडियो नहीं मिल पाते सो थैंक यू सो मच फॉर प्लेस